कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, घर में रहें, सुरक्षित रहें। ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम सभा में आए हुए प्रवासी मजदूरों के लिए उचित स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाने के पश्चात ही उन्हें गाँव में प्रवेश करने दिया जाता है। ग्राम प्रधान ने बताया कि आए हुए सभी लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है। पहले बाहर से आए हुए लोगों को क्वारंटाइन ग्राम सभा की प्राथमिक विद्यालय में किया जाता था, लेकिन अब शासन के आदेशानुसार होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, जिसकी निगरानी ग्राम सभा में गठित निगरानी समिति के द्वारा की जाती है। उन्होंने बताया कि बाहर से आए हुए लोगों के खान पान की उचित व्यवस्था की जाती है। क्वारंटाइन किए गए लोगों को समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है। लंबाई है 130 मीटर है। ये तो देखिए लेबर के ऊपर होता है, जल्दी है, चार दिन पाँच दिन में बन जाता है। हाँ, लेबर अगर ढेर हैं तो ज़्यादा जल्दी बन जाता है, कम लेबर हैं तो समय लगता है। आपके यहाँ बाहर से कितने लोग आए हैं? बाहर हमारे यहाँ से लमसम 120 लोग आए हैं। उनके लिए आपने क्या किया? उन सभी मजदूरों को जो भी बाहर प्रवासी आए हैं, सब के लिए यही है कि अगर जो भी इच्छुक व्यक्ति है मनरेगा के तहत काम करने के लिए, तो उनका जॉब कार्ड बना करके उनको मनरेगा के तहत काम दिया जा रहा है। होम क्वारंटाइन का आगाज हो चुका है। आप यहाँ से कितने लोग होंगे जो होम क्वारंटाइन किए गए हैं जो बाहर? इस समय 57 लोग हमारे यहाँ हैं होम क्वारंटाइन किए गए हैं, जो क्वारंटाइन का पालन भी कर रहे हैं। निगरानी समिति मेरे यहाँ निगरानी समिति गठित हो गई है। निगरानी समिति भी हमारी काम कर रही है लगातार, घर घर जाकर, आशा बहू है, रोजगार सेवक है, कोटेदार हैं, ये लोग लगातार जाकर के घर घर शाम सुबह चेक कर रहे हैं, सभी लोग क्वारंटाइन का पालन कर रहे हैं। निगरानी समिति में 11 सदस्य हूँ। आपको कि जॉब कार्ड इशू करके मनरेगा के तहत राज्य वित्त में भी जो काम चलने वाले हैं या चल रहे हैं, उसमें भी जो इच्छुक है उसमें भी काम दिए जा रहे हैं। मनरेगा में भी जिनका कार्ड नहीं बना है उनका कार्ड तुरंत रजिस्ट्रेशन कराता हूँ, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद तुरंत तत्काल उनको भी काम दिया जा रहा है। इस महामारी में लॉकडाउन दौरान आपने ग्राम सभा में बचाव के लिए बीमारी से या महामारी से जी हमारे सफाई कर्मचारी के द्वारा सैनिटाइजर का लगातार एक दिन छोड़कर दूसरे दिन लगातार पूरे ग्राम पंचायत 4-5 गांव का मोहल्ला लगता है, सभी गांव में सैनिटाइज हो रहा है। आगे और क्या प्लान है? आगे देखिए जो भी है हम लोग काम कर रहे हैं सरकार के आदेशानुसार, जैसा भी सरकार का आदेश निर्देश होगा उसी का हम लोग पालन करेंगे। ग्रामवासियों से आप क्या इस महामारी से बचने के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं या उनसे जो है क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने ग्राम सभा के लोगों को कहूँगा कि आप खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें, आप छुआछूत ना करें, एक दूसरे से दूरी बना कर रखें, मुंह में मास्क लगा कर चलें, जिनके पास मास्क नहीं है, महिला हैं वो दुपट्टा लगा लें, पुरुष हैं तो गमछा लगा लें, बच्चे हैं तब उनको वो भी कुछ मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें। जहाँ तक मेरे पास जितना आया तकरीब 150-200 मास्क आए थे, मैंने सभी लोगों को मास्क वितरण कर दिया है। इसके पहले जो बाहर से लोग आते थे साफ, सरकार तो यही करवाना चाह रही, क्योंकि हम लोग भी अपने बलबूते जितना हमारी निगरानी समिति बनी है उस हिसाब से हम लोग तो लगातार काम कर रहे हैं। अब जो आदमी नहीं मानता तो हमने शासन प्रशासन को भी खबर करते हैं, डॉक्टर की टीम को भी खबर करते हैं, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पूरा मुक्ति को भी फ़ोन करते हैं कि हमारी वो मदद करें।